उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने बैठक को लेकर एसडीएम जनपद सीईओ सहित शासकीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय समय पर टीकाकरण केंद्र लगाए जाएं और व्यवस्थाएं भरपूर की जाएं, साथ ही ज्यादा से ज्यादा टीके लगाए जाएं। टीके लगवाने के लिए आने वाले लोगों को दिक्कत न हो उसका ध्यान रखा जाए। उसी को लेकर अब ग्राम पंचायतों में भी सेकेंड डोज के टीके लगाए गए, जहाँ पर ग्राम पंचायतों में बेहतर तैयारी की गई। साथ ही लोगों को घरों से बुलाया गया और उन्हें टीके लगाए गए। इस दौरान ग्राम पंचायतों ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य किया। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री एवं अपने कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत में सभी लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को प्रथम एवं द्वितीय डोज जो था वो तो सभी नागरिकों को लग चुका है। जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक थी उन सभी लोगों को 100% अपना वैक्सीनेशन ग्राम पंचायत गंगेरी में पूरा हो चुका है। किस प्रकार से आप लोगों ने तैयारी की, किस प्रकार से लोगों को बुलाया? सरपंच साहब ने, अपने सहायक सचिव जी ने, आंगनवाड़ी सहायिका, अपने एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पूरी टीम पूर्ण हो, और उज्जैन जिलाधीश ने भी निर्देश दिए। किस प्रकार से कार्य आयोजित किया गया, किस प्रकार से क्या रहा? टीकाकरण के लिए गांव में हमने बहुत प्रयास किया। शुरू स्टार्टिंग जो पहला टीका था उसके लिए हमने 100 करवाया, जिसके बाद दूसरा टीका जो लगवाने के लिए कलेक्टर साहब ने जो आदेश दिए थे उसके अनुसार हमने दूसरा टीका भी 100 पंचायत ने कर दिया। पंचायत सोडंग में 100% टीकाकरण संपूर्ण हो गया है और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी की सरकार ने जो कोविड-19 का टीकाकरण के जो ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों में टीका लगवाने का कैंप रखा था, उसमें सभी गांव वालों ने उत्साहित होके टीका संपूर्ण रूप से गांव में लग गया है। आपने किस प्रकार से सभी ग्रामीणों को बताया कि वह टीका लगवाएं, इसके फायदे लें, किस प्रकार से आपने बताया और किस प्रकार समझाया दिया, किस प्रकार से क्या रहा? हमारे ग्राम पंचायत के कोटवार के द्वारा हमने उसको गांव में और हमने खुद ने और सचिव ने सभी ने मिलके सभी को समझाया कि टीका अनिवार्य है, दोनों टीके लगवा के अपने स्वस्थ रहें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।